हाय गाइस, सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत वक्त के बाद जो है एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। बहुत देर बाद है लेकिन आ गए। और आज की वीडियो में जो है वो मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ। और वो है आई एम ट्राइंग दिस किन्नौर की है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स है। मैंने ट्राई नहीं करी पर जहाँ तक सुना है और जितना इसको देख कर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो भाई आज मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ और ट्राई करके देखेंगे भाई सच में भी इतनी ज़्यादा स्पाइसी है या फिर नहीं। तो चलते जल्दी से बनाते हैं और फिर इस पर जो है रिव्यू करते हैं। तो 2 मिनट में बनाते हैं और आ जाते हैं रिव्यू करने। जो है वो बनाने लगे हैं और हमने खोलते ही देखा है तो भाई इसके अंदर से कोई मसाला वसाला निकले, सिर्फ सॉस निकले। तो इसका बना जा सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पाइसी होगी। तो भाई इसको भाई हम नूडल्स को बनने के लिए डाल देते हैं, बाकी जो बची हुई है वो भी साथ साथ जो है वो डाल देते हैं। बनने का वेट करते हैं, 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं भाई सॉस किस तरह का। नूडल्स तो बनाकर जो है वो लेकर आ चुके हैं, बस अब बारी है इसके अंदर ये सॉस डालने, जो कि भाई देखने में पता चलेगा खोल कर ही कैसा सॉस है। हम इसको खोलने लगे और बस ये सॉस इसके अंदर तो पूरा काला ऐसा खून है। इसकी स्मेल भी इतनी ज़्यादा, स्मेल से पता चल रहा है कितना ज़्यादा जो है वो स्पाइसी है। ये पूरा डाल दिया इसके अंदर, इसको चखने की हिम्मत नहीं कर रहा, पता नहीं कैसा हो। मतलब इसको मिक्स करते हैं, टेस्ट ही बड़ा ही खतरनाक है। कैसे खाते हैं ये देख सकते हैं, एकदम दिखने में ही पता चल रहा है कि कैसे खाने में तो मिक्स अच्छे से कर दिया मैंने। मिक्स कर लिया है और अब बारी है भाई ट्राई करो। अल्लाह का नाम लेके करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट है अच्छा है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला टेस्ट ही नहीं आया अभी तक, नॉर्मल बिल्कुल नूडल्स वाला टेस्ट आया। बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जितना लग रहा था, बिल्कुल नॉर्मल नूडल्स की तरह। इसकी नूडल्स थोड़ी सी अलग हैं, जैसे हम खाते हैं आम उस तरह की नहीं है बस, और स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं लगी। मज़े किया, बिल्कुल भी इतनी स्पाइसी भी नहीं है कि खाई ना जाए, आराम से खाई जा रही है और बहुत ऐसे मुझे तो अच्छा लगा। मुझे तो स्पाइसी नहीं लगी लेकिन मैं अपने छोटे भाई को ट्राई कर रहा था और फिर पता करते हैं कि उसको स्पाइसी लगती है या नहीं। आ जाओ भाई, बहुत सी वीडियो में आप पहले ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं, तो इनसे अब जो है वो नूडल्स ट्राई करवाएंगे। खाए क्या बताओ कैसी है? मुझे तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगी, मैं पता नहीं उनको कैसी लगे। कैसी है, कैमरे में देख के बताएं,
स्पाइसी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो भाई ट्राई हमने कर ली स्पाइसी, और देखने में ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बिल्कुल बहुत ज़्यादा कलर से देखने में लग रही थी और सॉस को देखकर, बट टेस्ट में इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बल्कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैसा है टेस्ट? अच्छा है। चलो भाई तो इतनी ज़्यादा स्पाइसी तो है नहीं, हम फिनिश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो कहते हैं नूडल्स खा चुके हैं, और तो कहते हैं नूडल्स खा चुके हैं और खाने में तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लग रही, लेकिन खाने के बाद मुँह बहुत बुरी तरीके से जल रहा है और बहुत मतलब स्पाइसी थी, खाने में नहीं लगी लेकिन खाने के बाद लगी। कैसे लगी? टेस्ट थोड़ा अजीब सा है। टेस्ट थोड़ा हाँ अजीब सा है, और सिर्फ सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा लाल है, और खाते वक्त नहीं लग रही थी, खाने के बाद होंठ और मुंह बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो है वो बढ़ जाएंगे। बाकी आप इस तरह की और प्रोडक्ट रिव्यूज़ या फिर फूड रिव्यू की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस तरीके से अब कंटिन्यूसली वीडियो बनाने की मेरी पूरा जो है वो इरादा है। तो बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं।